नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम है विनोद साहू और आप देख रहे हैं वी फॉर इनोवेटिव। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए ऐसी 5 स्कीम्स के बारे में जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और शायद इन्हीं 5 में से किसी एक स्कीम्स में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन से कंपेयर करें तो सीनियर सिटीजन्स के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, उन्हें कम टाइम में ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। वो उनका ऐसा नहीं होता कि उनको 20 साल 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करना रहता है, तो इसलिए सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ अलग तरह की ही स्कीम्स होती हैं और बारी बारी से हम आपको ऐसी 5 स्कीम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स वो स्कीम होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है, यानी कि जिसकी एज जो है ना 60 प्लस है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या जिन्होंने VRS ले लिया हो, जिनकी एज 55 से 60 के बीच में हो, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर कोई भी डिफेंस जो पर्सन होते, जो मिलिट्री आर्मी से जो लोग रिटायर्ड हो सकते हैं, वो इसमें 50 साल के बाद भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें अगर करेंट जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में देखा जाए तो करीब 8.3% के हिसाब से इसमें अभी आपको ब्याज मिल रहा है और हर आपको तीन महीने में जो है ना आपको इसमें ब्याज दिया जाता है। तो धारा 80C के तहत आपको इसमें 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स सेविंग FD होती है, या सीनियर सिटीजन के लिए जो FD होती है, वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। आप इनको अलग अलग टाइम के लिए कर सकते हैं, किसी को 1 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि ये बिल्कुल सेफ होती है, इसमें कहीं भी कोई भी आपको रिस्क कुछ भी नहीं होता है। आप जितना पैसा डालेंगे और आपको पहले दिन से पता होता है कि इसमें हमें इतना पैसा मिलने वाला है। तो जो सीनियर सिटीजन्स हो जिसमें FD कराते हैं, उसमें 2 आपको बहुत बड़े फायदे ये मिलते हैं अगर आप नॉर्मल सिटीजन से कंपेयर करें। पहला तो ये है कि इसमें आपको जो है आधा से 1% आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। दूसरी बात ये है कि जो आपको जो इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो आपको जो इंटरेस्ट से जो आपको इनकम होती है, वहाँ पर आपको 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए FD होती है, आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो आपके पास जो ऑप्शन होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम। तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम की जो फैसिलिटी होती है वो उन लोगों के लिए होती है कि जिनके पास एक लमसम अमाउंट आया, लमसम अमाउंट उठा के उन्होंने बैंक में रख दिया या पोस्ट ऑफिस में रख दिया और उसके बाद वो हर महीने पेंशन लेने लगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें अगर आप ज्वाइंट बेनिफिट चाहते हैं या ज्वाइंट अकाउंट ज्वाइंट ओनरशिप चाहते हैं तो आप वहां पर 9 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप वहां पर सिर्फ सिंगल ओनरशिप चाहते हैं तो आप वहां पर 4.5 लाख रुपए तक एक बार में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है ना इसका इंटरेस्ट आपको हर 3 महीने में दिया जाता है। और एक बड़ी बात यह है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अब हम आपको बताते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि MIP, यानी कि मंथली इनकम प्लान के बारे में। ये दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, डेट फंड ज़्यादा होता है और लिक्विड फंड कम होता है। मतलब कि 70-80% आपका डेट फंड हुआ और करीब 10-20% या 30% जो है ना आपका लिक्विड फंड हुआ। तो दोनों का जब बैलेंस बनता है, लिक्विड फंड का और डेट फंड का, अगर आप इसको लंबे टाइम तक ले जाएं तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है। टैक्स सेविंग अगेन डिपेंड करता है कि आप किस स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं, कितने साल के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, तो उस पर आपको डिपेंड करता है कि आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब भी आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप इस बात की जानकारी जरूर ले लें कि मैं जिस फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगली जो लास्ट स्कीम के बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ऐसी है कि जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो वहां पर 15 साल के लिए भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपना पैसा 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करे और करीब 8% के हिसाब से उनको फिक्स्ड ब्याज दर मिले, तो उनको हर साल 10,000 रुपये हर महीने 10,000 रुपये उनको अपने अकाउंट में ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 15 लाख रुपए अपना इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये आप करते हैं 10 सालों के लिए, तो हर महीने आपको 10,000 रुपए वहाँ से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आपको 8% के हिसाब से आपको बिल्कुल फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स कि उनको सीनियर सिटीजन्स को कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है वी फॉर इनोवेटिव, को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।